रखना है, क्या प्रशासन के रिकॉर्ड रखना है, मुझे कुछ नहीं मालूम। अंगूठा छाप उसने सही बता रहा हूँ, ये आपको संभालना है, आपको पूरा करना है। अब हमारे पास कुछ नहीं है, अब सच्चे मायने में जैसे वो कह, हम भी बिल्कुल फकीर है, हम भी बिल्कुल फकीर है। जब तक मन लगेगा तब तक नमोकार तीर्थ पर, और मन नहीं लगा तो उठाऊंगा अपना दंड कमंडल और मैं चलते बनूंगा। आपको संभालना है, आपको करना है ये जिम्मेदारी। मैं कहां तक किसके लिए बोलूं, आज मेरे पास शब्द नहीं है। एक ऐसे शख्स के लिए, यदि किसी के पास प्रवीण लोहाड़े को डिवाइस दिखाने का मोबाइल हो तो जरा उसको दिखाए, वो शख्स बैठा कहाँ है? अरे किसी कोने में बैठा रहता है, कहां से संचालन करता पूरी देश को, विदेश के लोगों को भी वह अपनी मुट्ठी में लेके चलता है, हर घर के लोगों को बांध के लेके चलने का कार्य यदि कोई करता है तो वो प्रवीण लोहाड़े हैं। एक प्रवीण लोहाड़े ऐसा शख्स व्यक्ति है जो हमारे संपर्क में आने के बाद, किसी का भी दिखा दो उसका, वो बंद कर दो साउंड, बंद कर दो, सुनिए मेरी बात। जब मैं 1993 में पहली बार आया औरंगाबाद, तब हमें बहुत लोगों का साथ मिला, उसमें हमारे रवि पहाड़े, हमारे सुरेश जी ठोले, हमारे देवेंद्र जी काला, हमारे ललित बाबू पाटनी और हमारे ऐसे सैकड़ों भक्त परिवार औरंगाबाद में हैं, जिनकी मैं लिस्ट बनाऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। सभी हैं, मानिक बाबू गंगवाल क्या, वो तो हमारे क्षेत्रपाल मार्गदर्शक हैं, हमारे सभी, हमारे विनोद जी लोहाड़े, संजय जी कासलीवाल, जिस दिन से इन्होंने हमारे चरणों को पकड़ा है आज तक इन्होंने चरण नहीं छोड़े, और 1996 से जब से प्रवीण लोहाड़े ने मुझे समझा है तब से आज तक इस व्यक्ति ने मुझे कभी छोड़ा नहीं है। इसने सारा भारत घूम लिया, भारत की हर स्टेज और हर मंच को इसने प्राप्त किया, इसने इंटरनेशनल लेवल के प्रोग्रामों को भी कभी ना नहीं किया, और हमारे छोटे से प्रोग्राम में चार लोग नहीं रहते हैं तो भी प्रवीण लोहाड़े इन चार लोगों के बीच में 4,000 लोगों को कैसे इकट्ठा करना, ये कला इस प्रवीण लोहाड़े में है। मैं भाई प्रवीण लोहाड़े को भी उस कमेटी में, जो कमेटी में हमारे सुवर्णा जी, सुमेर जी, पारस जी हैं, उस कमेटी का एक मेंबर आप भी हैं, और आपको ये 11 सदस्यीय लोगों की कमेटी बना करके, हमारी योजना अलग है, मैं अलग से एक मीटिंग आपके साथ करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमको क्या करना है। एक्चुअली तो एक ही कार्य नहीं है, किंतु हमको पूरे विश्व को ये दिखाना है कि हमारी जैन संस्कृति भगवान आदिनाथ से लेके अभी तक क्या रही है। सुवर्णा जी, हमारी संस्कृति क्या रही है, हमारी श्रवण परंपरा क्या रही है, हमारी दिगंबर परंपरा क्या रही है, हमारे जैन आचार विचार क्या रहे हैं। बस तुम्हें इनको जो है एक रूप देना है नीलम जी, यहाँ पर उसको अपने लिए साकार करना है। सिर्फ लोग ये ना देखें कि बाप रे बाप यहाँ कितनी मूर्तियां हैं, मूर्तियों की गणना ही लोग ना कर पाए, उसके पहले जैन संस्कृति को लोग समझ जाएं, ये कार्य श्री प्रवीण जी लोहाड़े अपने को दिल से संभालना है। इसमें हम अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि इस इतिहास को सुरक्षित करने के लिए कितनी ताकत हमको लगानी पड़ेगी, कितना अर्थ लगाना पड़ेगा। मनुष्य ये हमारा लंबा सा ऐसा भक्त है, कहीं भी खड़ा हो जाए तो 10,000 आदमी में अकेला दिखलाई पड़ता है, ये हमारा पीठाधीश है। मालूम नहीं है नमोकार तीर्थ की श्रवण संस्कृति में ये अपना नाम